when I realized like that my young Pawar is hurt, I was like thinking, how did I let him do this task? Yesterday I knew that his shoulder was hurting. Mayank, आपके लेफ्ट शोल्डर में इंजरी है, क्या आप उस शोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपको रोकना है? मैंने भाई ऐसे नहीं हो सकता, जो बाहर से लड़की आई है डाना, उसने मेरे को मौका दिया, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो मैंने दोबारा से अपना कंधा रिलोकेट करा, वहां पे सर से सर पिटाया मैंने। प्लीज कम टू द सेंटर। मयंक, आपको अपना शोल्डर को प्रोटेक्ट करना है, इसके बाद शोल्डर के लिए बाउट रोका नहीं जाएगा। यू कैन गिव अप, मगर वो राउंड आप हार जाओगे और श्रवण को एक फ्री शील्ड तोड़ने का मौका दिया जाएगा। हाथ मेरा एक बार टूट चुका था, तो मुझे जैसे भी करके एक शील्ड तोड़नी थी एक ही अटेम्प्ट के अंदर। Are you ready? Go! मयंक पावर के पास भी दूसरा अपर हैंड था, वो था उसका पावर, द हार्ड कोर रॉ पावर, एंड वी आर स्टिल होपफुल कि मयंक पावर उसको पछाड़ देगा और खींच के कुंड तक ले जाएगा। बनाम आर्मी की तरह मैंने पूरा अपना 1000% दे के उसको घसीटता हुआ ला के उसको इस तरफ उसी के पाले में। जब मैं बॉर्डर के रस्सी पर गिरा था, उसने उसी रस्सी से पकड़ के मेरा गला घोटने की कोशिश की। उस हद तक उसने मेरा गला घोटा कि मैं आवाज नहीं निकल रही थी मेरी। He's pressing a nut. He's pressing a nut. Maya, get off his neck. I'm What's the chain? His neck. I'm pressing his chest. मेरी सटक गई थी। तुम गला घोट सकते हो, रूल्स के खिलाफ जा सकते हो तुम। तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे जैसा खेलना है उसको लगे तो लगे हाथ। श्रवण सडनली वेरी स्विफ्टली मयंक पावर को उठाता धड़ाम से और उसको सडनली एक ग्रैपल करता है। मेरे तोते उड़ जाते। जो मेरे MMA स्किल्स थे, जो मैंने सीखा था अपने लाइफ में, कुछ मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर ही अपनाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको लॉक कर दिया। जब शेर शिकार पे निकलता है ना, जिसको भी पकड़ना होता है उसको, वो पहले उसको थकाता है, थका थका के पूरी तरह से खत्म कर डालता है। मैंने सोचा कि मटका मुझे तोड़ना ही नहीं है तेरा, मुझे तोड़ना है तेरे को पहले। श्रवण को बोला, श्रवण उसका वीक पॉइंट है उसका लेफ्ट हैंड का शोल्डर, उसके शोल्डर को जितना टारगेट कर सकते हो करो, उसको हराओ। श्रवण उसके शोल्डर पे दे। जैकलिन और अपूर्वा बोलो कह रहे थे लिटरली उसके कंधे पे मार, तोड़ दे उसका कंधा। दैट वाज रियली बैड कि आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो। तो हम लोगों को लग रहा था माय गॉड किस तरह की लड़कियां हैं। उस पट्टे ने ना सोचा हल्की सी भी इंसानियत नहीं, उसने प्यार से हाथ डाल के उसने दोबारा से मेरा बॉल सॉकेट से बाहर। मेरे शोल्डर, प्लीज श्रवण। मैं चीख रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ कि श्रवण रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत दर्द हो रहा है तुझे मेरी कसम। हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, छोड़ दे मत। वो नहीं छोड़ता। मैंने इतना जानवर आदमी जीतने के लिए डेस्परेट गंदा आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा था। फिर मेरा शोल्डर गया। फिर 5 मिनट बाद फिर बोले मेरा शोल्डर। फिर मेरे दिमाग में चलने लग गया कि हड्डी पसली का क्या होगा, वो कौन तोड़ेगा। मैं तो समझ नहीं पा रहा था बिकॉज वो शोल्डर को ही ना बचा पा रहे थे। शवन ने यह प्रूव कर दिया कौन मर्द है, कितना मर्द है।
हाथ में आ गई, तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तुम शोल्डर गया, मेरी एक उंगली भी यूं नहीं हिल रही थी, तो मैंने सोचा मेरा हाथ तो गया। दोबारा से मैं कंपटीट करना चाह रहा था, अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा था। मैं डॉक्टर ने आपके हाथ को चेक किया है, आपको भी बहुत पेन हो रहा है, क्या करना है आपको? लेकिन मेरी एंजल ने भरोसा किया मुझ पे। I don't think that you should go for it, not because you can't, or it's not a matter of can or can't. It's a matter of your health. So I still believe in you and would be happy to get you back in the villa. Meri angel ne mujh pe believe kiya. Usne mujhe trust kiya, main uske liye ladunga. Bhai abhi tak to Pooja thi, abhi angel. Wo bhi dana vana se angel. Main ko bahut surprise kar rahi hai, sach mein shock lag raha hai. Kya karna hai? फिटनेस मॉडल, इस शरीर से कमाना है मैंने, मेरा हाथ अगर नहीं होगा तो मैं कहाँ का? तो यही सारी चीजें देख के फिर मैंने क्विट किया। I was like, damn, वापस वही टॉर्चर, वापस the whole thing, and we so did not wanted Shravan to become the king all over. Shravan, आप क्रिस्टला के किंग हो, मगर किंग रहने के लिए आपको चार शील तोड़ने हैं। एक तो उन्होंने गिव अप किया है, वो शील्ड टूटेगा। दूसरा, ये गेम छोड़ के जा रहे हैं, वो शील्ड भी टूटेगा। मगर दो और शील्ड तोड़ने आपको मयंक गांधी के अगेंस्ट। मुझे चार फोड़ने थे, श्रवण को दो फोड़ने थे, लेकिन ये सब करने से पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था, एक तो डिसएडवांटेज होगी, लेकिन मैंने कहा जाकर अपना दूंगा बेस्ट शॉट। पहले मेरे लिए एक एडवांटेज तो था कि मेरे दो मटके फूटे, लेकिन बहुत थका हुआ था मैं। मयंक गांधी वाज ऑल किक्ड अप कि यार अभी मौका मिला है, मैं तो कुछ करूंगा। ही वाज लाइक गिविंग ऑल दैट डर्टी लुक्स एंड फुल एंग्री यंग मैन कैरेक्टर में आ गए। श्रवण को छोड़ के कोई भी बन जाए हमको चलेगा, बट एटलीस्ट नॉट श्रवण। मयंक गांधी एंड श्रवण, योर कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स नाउ। के अंदर पहुंचा और ऊपर से कड़कती धूप सर के ऊपर लग रही है, आदमी जल रहा है। टांग से खींच ले, टांग से खींच ले, टांग से खींच, टांग से। मयंक गांधी ने उसको खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्रवण को टस से मस नहीं कर पाया। जहां से वो खींच के लाता, श्रवण उसे वापस वहां ही ले जाके रखता। काफी कठिन टास्क था, और टास्क जिसे बोलते हैं आप, ताकत से भरपूर। दोनों में आपस में बहुत खींचातानी हुई। मयंक ने श्रवण को आगे बढ़ने दिया, श्रवण ने मयंक को आगे बढ़ने दिया, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी। होल्डिंग वेयर दिस वन, लुक एट दिस हैंड, इट्स ग्रैपलिंग। डर लग रहा है? यू शट अप, यू डोंट नो द रूल्स। स्टॉप फाइटिंग हियर नाउ। थोड़ी देर के बाद भाई कुछ अलग ही होने लगा, वहां मड मैच नहीं हो रहा था, वो मड बात हो रहा था। मयंक पवार के साथ जो एग्रेशन था, वो गुस्सा, वो खून सर पे सवार होना, मयंक गांधी के साथ इट वाज लाइक आजा भाई, भाई ये करते हैं, भाई वो करते हैं, भाई ये है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स भाई यू ओके या ब्रांगो टू। At the end of the day, Mayank Gandhi ने अपने पार्टनर के साथ जाना, तुमने अपने पार्टनर के साथ जाना, तुमने और Mayank Gandhi ने शो नहीं जीतना। ओए एंग्री यंग मैन, भाई एंगर तो निकाल अपना, अग्रेशन एंगर, वेयर इज इट? जरूरत नहीं भाई उसकी, कैरी ऑन। तो जैसे होते ना दो सुअरों को मजा आता है मिट्टी में लोट पोट करके, वो लिटरली वही हो रहा था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी श्रवण के साथ में कि हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को ये दुलत्तियां वो लत्तियां नहीं मांग रहेंगे, क्योंकि चोटें लगती हैं। इसी में खेल ले फिर। नो चीटिंग, नो चीटिंग, गो बाय बॉय। डन, तुझे भी दे दिया मैंने अपना बॉल, जानता है मैं पीछे नहीं उठता।
गंदी गेम नहीं खेलेगा साले, छोड़ दिया मैंने। गांधी और मेरा क्या चल रहा था ना कि मैं कुर्सी संभालूंगा, तू विला संभाले और जो भी है कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, फाइनल हम जाएंगे भाई। हम दोनों की स्ट्रेटजी थी कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शवन उठा, शवन ने अपने आप को जितना जोर से वो खींच सकता था मयंक गांधी को, मयंक गांधी को खींच के लाया। No doubt that Shravan is like an amazing performer. He was like going out at 100%, giving everything he's got. Mayank, you still have 4 to go. Shravan, just one more and you remain king of Splitsvilla. Competition resumes now. गांधी में स्ट्रेंथ थी तो श्रवण की आधी बच चुकी थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सारा तुमने गेम प्लान कर लिया वहाँ पे। मैं बोली दिखने में इतना रफ टफ लगता है मयंक गांधी एंड बट ही कुडंट परफॉर्म ओनली ही कुडंट ड्रैग हिम ओवर देयर। अब इनकी स्ट्रैटेजी थी क्या था समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैंने चार मटके फोड़े सबके मुंह बंद हो गई, बिना एक शब्द इस्तेमाल किए हुए साफ कर दिया कि मैं रानी हूं कि क्या हूं। हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी मर्द के साथ कनेक्शन है। गुड जॉब श्रवण, वी लव यू। गुड जॉब, वी लव यू श्रवण। ऑल ऑफ अस वर लाइक ओके वी गॉन नाउ एंड जिस मोटी को हमको निकालना है उसको वो नहीं निकाल रहा है बंदा। मैं बोली ये और टिकेगी अब। वो जीत के बाद मेरे अंदर एक ही फीलिंग थी, जो खेल होगा ना आगे जाकर ये तुम लोगों के लिए सिर्फ खराब नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी वर्स। इतना गंदा कर दूंगा तुम लोगों के लिए मैं कि पछताओगे। श्रवण, आप इस कंपटीशन को जीत गए। दिस वॉज द ड्यूल टू बी किंग। आपने सिर्फ एक कंटेंडर को नहीं हारा, दोनों को हारा। एंड यू आर स्टिल द किंग ऑफ स्प्लिट्सविला। द रेस्ट ऑफ यू, आई विल सी यू इन द डंपिंग ग्राउंड।